कश्मीर में हो रही टारगेटिंग किलिंग के वजह से वहां के हिंदू कश्मीरी पंडित पलायन पे मजबूर हैं। कश्मीर में हालात खराब है, इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अगर वो डर के आ जाएंगे फिर कश्मीर में ऐसा होगा कि वो उग्रवादी फैला देंगे। इन हालातों के बीच आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग कारोबारों पे क्या इसका प्रभाव पड़ा है। एक्चुअली हम जो लोग पहले यहाँ पर आना चाहते थे, हम तो वो डरेंगे, और साथ में वो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है कि कश्मीर में हालात खराब है। नहीं, हमें कोई डर नहीं है। ये ओब्वियसली बिजनेस में तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग डर रहे हैं। अब वहाँ जाने से बेहतर है कि घर पे रहे। अब कौन आएगा यहाँ पे? कोई भी नहीं आएगा। इस हिसाब से जो हालात चल रहे हैं श्रीनगर में, टारगेटेड किलिंग हो रही है, इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा हमारा जम्मू कश्मीर को तरक्की करेगा या आगे बढ़ेगा। इससे मुझे लग रहा है कि जो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस पड़ा था वो भी खत्म होने के पगार पे है। क्योंकि उनको ऐसा होगा कि मतलब हम वहाँ पर जाएंगे, हम पर भी ऐसा हो सकता है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लोगों के लिए बनी थी मे बी अब वो लेस हो जाएंगी, और उससे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर थोड़ा सा लगेगा। उसे डट के रहना चाहिए कि हम एकता में बल है। और इससे जम्मू कश्मीर के बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जिस हिसाब का माहौल पूरे देश में फैल रहा है? वो तो पड़ ही रहा है जी, वो पिछले दो साल से ही पड़ रहा है। हाँ। लेकिन अभी पिछले सब हफ्तों से इस साल से बढ़ रहा है, इस साल से और भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दहशत फैल गई। बाहर के लोग तो आएंगे नहीं, टूरिस्ट जो आता है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब बोला है गवर्नमेंट ने कि आगे कंपनीज आनी चाहिए, MNCs आनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें देखकर, लाइक टेररिज्म देखकर, आई डोंट थिंक सो कि वो विलिंग होंगे यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्योंकि रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आप पे अटैक हो सकता है, तो उस वजह से आई थिंक एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो काम रहा ही नहीं है बिल्कुल, इधर काम ही नहीं है, काम सारा श्रीनगर ही चला गया। अच्छा जी, श्रीनगर ही है, इधर तो अभी आया नहीं है काम। मुझे नहीं लग रहा आगे कुछ बिजनेस हमारा होगा, आगे बढ़ पाएगा, जिस हिसाब से हालात है श्रीनगर के, रोज बर रोज धड़बा धड़ धड़ मर रहे हैं लोग, टारगेट किलिंग हो रही है। अब इसमें सरकार को देखना चाहिए, इसके लिए कोई अच्छा सा फैसला लेना चाहिए ताकि ऐसा ना हो, और लोग भी आए जाए, हमारे कारोबार में मुनाफा हो, इजाफा हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है सरकार का, मतलब इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे गरीब गुरबात जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो बाहर से कस्टमर आए उनसे मतलब चार पैसे कमा लें, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार भी इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करे। अगर बात करती तो गरीबों के बारे में सोचती। यहाँ पे एक बंदा नहीं मारा जा रहा है, एक बंदा और कश्मीर में मरेगा, 10 घरों पे उनके मातम छाए होते हैं, उनके रिश्तेदारों में मातम छाता होता। मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी हालात ठीक होने चाहिए। जो मजदूर लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं वो गलत है जी, वो इतना गलत है कि बेचारे इतने दूर से आए हैं काम करने, हमारे वाले तो काम करके राजी नहीं है हिंदू लोग भी जी। अब जो बाहर से काम करना है उनको भी काम करने दे रहे। हर आदमी को फर्क पड़ रहा है, बस को भी पड़ा, टेम्पो को भी पड़ा, सोमो को भी। बड़ी गाड़ी आएगी तो छोटी गाड़ी का काम निकलेगा ना, तो छोटी गाड़ी का काम निकलेगा, बसें वगैरह, सोमो वगैरह, ये बड़ी टेम्पो वगैरह आएंगे तो फिर ऑटो का काम निकल। स्मूथली होना वो करके हर चीज बता के नहीं की जाती जी, हर चीज बता के नहीं की जाती, इसमें स्मूथली होगा जो भी होगा। आपका कहना है कि कुछ खुफिया तरीके से सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे ये चीज रुक जाए, ये रुक जाएगी। ये बाकी ये है कि उग्रवाद जम्मू में भी आ रहा है, जो इतना फैल गया कोई हिसाब नहीं, वो तो खत्म होना। दहशत फैल गई है, जब से 370 धारा टूटी है, ये पाकिस्तान पे भी दहशत फैल गई है कि हुआ क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बुखला गया है वो जी। नगर से टूरिस्ट आ कोई नहीं रहा, तो इसलिए हमारी गाड़ी का भी काम थोड़ा सा कम अभी कम चल रहा है। दो महीने पहले सिन्नर में बहुत ज्यादा रश था, प्यार अंग्रेज जगह नहीं थी, तो इधर रश काफी था, जितना मर्जी काम कर लो मतलब आदमी थक जाता था काम कर करके। अब बैठ के थक जाते हैं हम, बिल्ले बैठ तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहते हैं, वेरा को भी लगता। अब सभी देश मान रहे हैं मोदी को, एक एक बंदा अकेला था, आज से पहले 20 साल पहले चले जाओ क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ। आज इतनी वो हो रही है, सड़कें बन रही है, हर गांव में जा रही है, हर गाड़ी जा रही है, कितनी प्रगति पे है जी। अब कितना कुछ हो जम्मू में, जो नहीं होना था वो भी हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब का माहौल हो रहा है इससे तो बाहरी बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट करना चाहे यहाँ, वो तो डरेंगे ना इससे। नहीं, बाहरी तो डरेंगे, पर बिजनेस फैलेगा ही, ऐसी बात नहीं, आज नहीं फैलेगा, 2 साल और रुक के फैलेगा।
इससे बिजनेस पे कंफर्म इफेक्ट पड़ेगा, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बुरे हालात होंगे, जैसे पिछले लॉकडाउन में हालात हुए थे वैसे मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। अब हमने मुश्किल से अपना दाल फुल्का चला लिया था, तब लॉकडाउन में भी कैसे भी चलाया था, अब मुझे लग रहा है ऐसे हालात फिर से पैदा हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। असर काम आई नहीं है जनाब, कटरे का काम है, सिन्नर का काम है, यही पिछले दिन आई खत्म हो गया, बड़ी गड़ी का भी छोटी गड़ी का भी। सिन्नर में जो टूरिस्ट घूमने फिरने जा रहा था, जो पिछले महीने रश चल रहा था, अभी लोग इधर पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वो टूरिस्ट आना बंद हो गया। जैसा कि आपने सुना, जो हालात कश्मीर घाटी के बने हुए हैं उससे जम्मू कश्मीर के अन्य व्यवसायी के सेक्टर्स में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है।